कल से यहाँ पे मुझे 30 रुपए के हाफ प्लेट राजमा चावल मिल गए हैं। तो अब हमारे बचे हैं 80 रुपए। अब हम इसमें बाकी सब अपना पूरे दिन का खाने वाले। और डेजर्ट खाने के बाद भी मेरे पास ये 3 रुपए बच गए हैं। करती हूँ मिल्केक। खाना भूल गई है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खाया हुआ है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आजकल हम चैलेंज वीडियोस काफी कर रहे हैं, तो मुझे काफी मजा आ रहा है वो करके। मुझे बड़ा मजा आता है। लास्ट वीक भी मैंने एक नेम चैलेंज वीडियो करी थी, जो मैंने लास्ट वीक अपलोड करी थी, और उसका लिंक जो है यहाँ ऊपर आ रहा होगा। आज का जो हम चैलेंज करने वाले हैं, हम पूरे दिन में विद इन 100 रुपीज़ सर्वाइव करने वाले हैं। वैसे तो ये नॉर्मल बात थी हमारे कॉलेज टाइम में, हम इतने में ही पूरा दिन निकाल लेते थे, बट आजकल महंगाई थोड़ी बढ़ गई है। तो देखते हैं कि आज हम अपना चैलेंज कैसे करेंगे। आप भी ये चैलेंज ट्राई करना। अब हम अपनी वीडियो में आगे चलते हैं और अपना ब्रेकफास्ट खाने चलते हैं। ब्रेकफास्ट खाने आ गए हैं हम, और ब्रेकफास्ट का मेरा बजट है 20 रुपीज़। और दिल्ली वालों से पूछा जाए कि 20 रुपए के अंदर अंदर हमें क्या मिल जाएगा, तो छोले कुलचे या पराठा ही आता है दिमाग में। और मैंने छोले कुलचे बहुत टाइम से खाए नहीं हैं, तो शायद मैं अभी छोले कुलचे ही खाऊं। और 20 रुपए में मुझे एक स्पॉट भी पता है जहाँ पे मुझे 2 पीस छोले कुलचे मिल जाएंगे, और मेरा एकदम दिन तक का ना मामला एकदम सेट हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने छोले कुलचे खाने। अब हमारे बचे हैं 80 रुपए। अब हम इसमें बाकी सब अपना पूरे दिन का खाने वाले हैं। तो पहले अभी छोले कुलचे खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो गाइज, हमारी छोले कुलचे की प्लेट 20 रुपए में 2 कुलचे मिले हमें। भाई मजा आ गया मुझे तो। भाई मजा आया। दिल्ली के छोले कुलचों की बात ही अलग है। कॉलेज टाइम में हमारे कॉलेज के बाहर एक भैया है, वो इतने अमेजिंग छोले कुलचे बेचते थे। हम तब रोज़ छोले कुलचे खाया करते थे, बट उस टाइम के बाद याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम छोले कुलचे कब खाए थे। तो आज दोबारा से खा के ना मेमोरीज रिलिव हो गई हैं। तो मैं अपने छोले कुलचे एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे लंच में, और देखिए हम लंच में क्या खाते हैं। लंच का बजट भी हमारा ठीक ठाक ही है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो मिलते हैं। कैमरा मैन ने चाय ले ली है। ये भी बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा है ये कि भाई तू चाय ले ले, बट मैं अपने चैलेंज में एकदम अटल हूँ और मैं शाम को ही चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरा बजट वरना बिगड़ जाएगा। भाई लंच टाइम हो गया है हमारा। अब हमारे पास बचे थे 80 रुपए। ये रहे 80 रुपए। तो मैंने अपना लंच का बजट सोचा था कि मैं 30 रुपए में कुछ लंच कर लूं, ताकि मैं अपना आगे भी पूरा दिन कंटिन्यू कर पाऊं और बढ़िया सा खा सकूं। तो 30 रुपए का मैं अपना लंच खाने वाली हूं इस स्टॉल से। यहाँ पे मुझे 30 रुपए के हाफ प्लेट राजमा चावल मिल गए हैं, और यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, जब मैंने सत्यनिकेतन की अंडर 100 वाली वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अब हम अपने राजमा चावल लेते हैं हाफ प्लेट और अपना लंच करते हैं। राजमा चावल की प्लेट आ गई है, 30 रुपीज़ की है, और क्वांटिटी तो काफ़ी सफिशिएंट है। इसमें प्याज दिया है, चटनी है, और इसमें अचार भी दिया गया है। खा के बताते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको राजमा चावल पसंद है या कढ़ी चावल पसंद है या छोले चावल पसंद है। छोले चावल भी इन्होंने लिए हैं यहाँ पे मेरे साथ, जो मेरे दोस्त आए हैं। मैंने बोला मैं अपना शेयर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आज ना मेरा चैलेंज चल रहा है, तो मैं ना आज शेयरिंग और केयरिंग वाला सीन है ही नहीं आज। तो उन्होंने अपना अलग से बेचारों ने लिया। वो बोला रायता भी ले लो,
मैंने बोला यार बजट से बाहर हो जाएगा, आज थोड़ा ना बजट टाइट है। तो अब हम अपने राजमा चावल एंजॉय करते हैं और अभी हम मिलते हैं अपने चाय टाइम पे, आपको चाय की चुस्की लेंगे और पार्ले जी बिस्किट खाएंगे अगर मुझे 2 रुपए वाले मिल गए तो, क्योंकि बजट थोड़ा टाइट है आज। तो वो गाइस हम पांडे पान आए हैं और मेरे दोस्त लोगों ने 100 रुपए का पान ले लिया भाई, और मैं यहाँ पे 100 रुपए में पूरा दिन निकाल रही हूँ। कोई बात नहीं, देख लेंगे बेटा, चुन चुन के बदला लूंगी। अरे एक बात तो बताना भूल गई, ये पान डोनाल्ड ट्रंप ने भी खाया हुआ है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दिस इज वॉफल पान और ये न्यू पान है यहाँ पे पांडे पान में। गाइज लंच का मामला तो एकदम सेट बैठ गया था, मेरा तो पेट एकदम फुल हो गया था, उसके बाद ना बड़ी नींद सी आ रही थी, बट अब इवनिंग टाइम हो गया है तो मैंने सोचा अब चाय पीने आते हैं। चाय हमें मिल रही है यार 10 रुपए की, पहले यार 5 रुपए की मिल जाती थी, सोचा था थोड़ा बजट सेट बैठ जाएगा बट नहीं हो पाया। बड़ा मुश्किल से मैंने चाय के साथ खाने के लिए 2 रुपए की मट्ठी ढूंढी है, तो अब मेरा खर्चा हो रहा है 12 रुपए का, और अब 50 रुपए थे, 50 रुपए में से 12 रुपए माइनस करने तो अब 38 रुपीज बचेंगे उसके पास। उसमें हमें अपना डिनर भी करना है, उसमें हमें एक अपनी डेजर्ट भी खानी है, तो देखते हैं कि डिनर में हम क्या खाएंगे और डेजर्ट में क्या रहेगा। तो अब चाय पीते हैं और अपनी मट्ठी लेते हैं, मैं बड़ा वाला कप लूँगी। सो चाय। तो गाइस डिनर टाइम हो गया है और मुझे अब ज़ोरों की भूख लगने लगी है, तो मैं अभी थोड़ा आपको हिसाब भी समझा देती हूँ 100 रुपये में हमारा कितना खर्चा हो चुका है। सबसे पहले हमने खाए थे छोले कुलचे, 20 रुपये के थे, फिर हमने खाए लंच में राजमा चावल जो 30 रुपीज़ के थे, फिर हमने इवनिंग में पी चाय जो 10 रुपये की थी और 2 रुपये की मट्ठी ली थी। हमारा ओवरऑल खर्चा अभी तक 62 रुपीज़ हो चुका है, तो मैं अपनी गणित लगाऊं तो अभी हमारे पास बच रहे हैं 38 रुपीज़, उसमें हमें अपना डिनर भी करना है और अपना डेजर्ट भी खाना है। सो अभी देखते हैं कि हम डिनर में क्या खाएंगे। मैंने सोचा है कि 30 रुपये तक का अगर हमें डिनर मिल जाए या 30 रुपये से नीचे हमें डिनर मिल जाए तो सही रहेगा, और बाकी जो बच जाएगा उससे हम डेजर्ट का इंतज़ाम करेंगे। तो देखते हैं कि अभी हम डिनर में क्या खाएंगे, ढूंढते हैं थोड़ा, हाथ पैर मारते हैं और अपना डिनर सर्च करते हैं। भाई डिनर की खोज तो चालू है बट इसमें से मैं कुछ भी नहीं खा सकती क्योंकि सारा ये मेरे बजट से ऊपर है, 30 रुपये में खाना ढूंढना है अभी। तो चलो आप भी हमारे साथ आओ और साथ में ढूंढते हैं। भाई ढूंढ ढूंढ के तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हमने काफ़ी ढूंढा यार, हमें दाल रोटी वगैरह तो मिल रही थी, वो बजट से ऊपर भी जा रहा था और मेरा ना थोड़ा मन भी नहीं कर रहा क्योंकि लंच में भी हमने राजमा चावल खाए थे। तो मुझे एकदम से याद आया यार यहाँ पे हम ना खाया भी करते थे, यहाँ पे ना 30 रुपये में बहुत बढ़िया पास्ता मिलता है, पंजाबी तड़का, रेड पास्ता। सो मेरे को लगा कि यार हमें पास्ता ही खाना चाहिए डिनर में, वो फिलिंग भी होता है और टेस्टी भी होता है, तो मेरी मौजा ही मौजा। तो चलो पास्ता खाने चलते हैं। के पास है पंजाबी तड़का, लाल परी, मलाई पास्ता और पिंक पास्ता, बट मैं लेने वाली हूँ इनका लाल परी जो कि स्पाइसी है और 30 रुपीज़ का है। दाल परी रेडी हो गई है और ये 30 रुपीज़ की है, बस अब हमारे पास 8 रुपये बचेंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा कि डेजर्ट में क्या खाएंगे। आई होप कुछ बढ़िया सा मिल जाए क्योंकि मैं बहुत बड़ी डेजर्ट लवर हूँ। तो चलो देखते हैं भाई। थैंक यू सो मच, एंजॉय लाल परी पास्ता, गली पास्ता। तो गाइस पास्ता देखो भाई कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और 30 रुपये में जेनरस अमाउंट ऑफ पास्ता मिला है, तो मेरा डिनर तो एकदम सॉर्टेड है, मेरा पेट ज़रूर भर जाएगा इससे। सो लेट्स डिग इन।
तो गाइस डिनर में अपना ख़त्म करती हूँ। बहुत बढ़िया सा पास्ता है ये। अब हमारी डेजर्ट की खोज रहती है, सो आई होप बढ़िया से डेजर्ट मिल जाए। तो अब हम आपको सीधा डायरेक्ट डेजर्ट खाते हुए मिलेंगे। तो ऐसे चाय स्टोर्स में इजीली सस्ते में डेजर्ट्स मिल जाते हैं और आप उनको इन्जॉय कर सकते हैं, तो मैं भी अपना इन्जॉय करती हूँ मिल्क केक। तो गाइस हमारा 100 रुपीज़ का चैलेंज जो है सक्सेसफुल रहा और डेजर्ट खाने के बाद भी मेरे पास ये 3 रुपये बच गए हैं, तो ऐसे लग रहा है मैंने आज ये 3 रुपये कमाए हैं। सो आज थोड़ा रियलाइज़ हुआ यार, 100 रुपये में पूरा दिन निकालना वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है। झूठी झूठी बट हाँ, कुछ लोग के साथ ये डेली का सीन रहता है, बहुत कॉमन भी है ये चीज़। और ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि यार पैसे की वैल्यू क्या होती है। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं, अगर 200 रुपीज़ चैलेंज या और कोई चैलेंज या कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए और आप भी ऐसा चैलेंज ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय।